हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज इन अवर टेक्स्ट बुक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पेज नंबर 14। ओके, सो आप लोगों को मैंने ये ऑलरेडी समझाया हुआ है कि व्हाट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 15। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 15 इन योर टेक्स्ट बुक। हियर एक्सरसाइज नंबर 1 वी विल सी फर्स्ट। Find out if the following nouns are countable or uncountable. Write C for countable and U for uncountable. Television is what? Countable. So, आपको इसको C लिखना है. Time is uncountable. U. Oil is uncountable. So, you will write U. Umbrella, countable. Jam, uncountable. So, you will write U. Cheese, U. Cup, C. Countable. Friends, countable. C. Shoe, that is countable. Luggage, C. Countable. देखो, अब जो भी words यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी common nouns यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका कि plural form आता है वो ही countable होते हैं। अब time को times बोलते हैं क्या? नहीं। So ये क्या हो गया? Uncountable. Oil को oils बोलेंगे? No. Gems बोलेंगे? No. चीजेस बोलेंगे? नो। सो हम लोग इसको प्लूरल नहीं कर सकते, तो जिसे हम प्लूरल नहीं कर सकते वो क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ वी विल सी सेकेंड एक्सरसाइज। रीड द वर्ड एंड राइट मच और मैनी इन द बॉक्सेस। वॉटर, जो हम लोग गिन नहीं सकते उसे हम मच बोलते हैं, और जो हम लोग गिन सकते हैं या जिसका प्लूरल फॉर्म है उसे हम लोग मैनी यूज करेंगे। सो मच और मैनी कहां पर यूज करना है ये समझ में आया आपको? ठीक है। वॉटर मच, अम्ब्रेलास मैनी, रिबन्स मैनी, मनी मच, कॉइन्स मैनी, गर्ल्स मैनी, मैंगोज मैनी, बटर मच, ऑयल मच, राइस मच। सो जिसे हम गिन सकते हैं या जिसका प्लूरल फॉर्म है उसे मैनी वर्ड यूज करेंगे, और जिसे हम गिन नहीं सकते और जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं है आता उसे हम मच बोलते हैं। अब राइस हो गया, राइस को हम लोग गिन सकते हैं क्या? नो, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। राइसेस बोल सकते हैं क्या? नो, सो वी विल यूज मच। और मैंगोज हम लोग गिन सकते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म है सो इसे हम मैनी यूज करेंगे। सो सी नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। Many kites are flying in the sky. अब kites क्या है? Plural. So हम लोग क्या use करेंगे? Many. I cannot eat this much food. Food हम गिनते हैं क्या? No. So it is much. There isn't any milk. Milk क्या है? Uncountable. So यहाँ पर क्या use करेंगे? हाँ, any. अब हम page number 16 देखेंगे. Ram has many crayons in his box. तो मैनी को आपको सर्कल करना है। There are many stars in the sky. यहां पर भी आप मैनी को सर्कल करो क्योंकि स्टार्स है ना, प्लूरल है, सो दे आर काउंटेबल। आई हैड सम राइस फॉर लंच, सम, तो सम को आपको सर्कल करना है। आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स एट द पार्टी टू नाइट, सम, सो यहां पर भी आपको सम को सर्कल करना है। There is a little water in the bucket. Water गिन सकते हैं, इसका plural form है? नहीं। So यहां पर आप क्या use करेंगे? A little. The quarrelsome man has few friends. Few मतलब कोई, कुछ friends. Friends हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यहां पर हमें few को circle करना है। My aunt uses a lot of oil in her cooking. So oil के लिए हम लोग यहां पर क्या use करेंगे? A lot of. I found a large number of shells on the bench. A large number of. He drank a large number of apple juice. Juice countable है क्या? नहीं, uncountable. So यहाँ पर हम लोग क्या use करेंगे? A large amount of. Few, a smaller number than you would like to be. And a few, a small amount of numbers. स्मॉल नंबर्स, अगर अमाउंट का नंबर है तो हम लोग अ फ्यू बोलते हैं, और जो भी चीज हमें कुछ चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए, तो हम लोग फ्यू बोलते हैं। नाउ सी द फिल इन द ब्लैंक।
चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉस, ये जो बॉस दिया है इसमें से करेक्ट वर्ड यूज करके हमें ये यूज करना है यहाँ पर. अ टैंक ऑफ वॉटर, वॉटर का क्या होता है टैंक. अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड स्लाइस. अ डैश ऑफ सोप, बार ऑफ सोप. कैन ऑफ जूस. अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, अ ग्रेन ऑफ सैंड. अ पेन ऑफ ग्लास, अ शीफ ऑफ कॉर्न. अ बेल ऑफ क्लॉथ, अ बॉटल ऑफ ऑयल. अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की ट्यूब. अ पीस ऑफ पेपर. अ बार ऑफ चॉकलेट, यहां पर पैकेज ऑफ चॉकलेट भी चलेगा, पैकेट ऑफ चॉकलेट. ओके. अ सैक ऑफ राइस. अ नोट ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के लिए लिखा हुआ जो होता है उसे नोट बोलते हैं, नोट ऑफ म्यूजिक. अ पीस ऑफ न्यूज, न्यूज का पीस. अ पीस ऑफ चॉक, अ पाइल ऑफ वुड, वुड जो होते हैं ये से पाइल ऑफ वुड बोलते हैं. ठीक है, जो पूरा गट्ठा होता है उसे पाइल बोलते हैं. सो हम लोगों ने इस तरह हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. आप लोगों ने भी आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करनी है. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड आफ्टर दैट व्हेन एवर यू गेट टाइम यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड दिस लेसन इन यूर ग्रामर नोटबुक. ओके, टिल दैट बाय.